100 one is good for me. बहुत अच्छा यार मेरे को एक्चुअली जब फिल्म रिलीज होती है तो बड़ा शौक है मुझे कि लोगों के साथ आके देखूं इस बार थोड़ी तबीयत खराब थी तो देख नहीं सका आज थोड़ी बेहतर है सो आई सेड वी विल डू वन एंड वीक डे है सो इट्स अ नाइसर डे टू कम एंड सी एवरीवन तो बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई इतने लोगों को जाते हुए देखा आते हुए देखा और ट्राई ये करते हैं कि जब हॉल में पिक्चर चल रही हो चुपचाप से देख लें लेकिन वो देखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है फिर लोग अगर देख लें तो भाग जाते हैं बहुत हवा मच जाता है बट वेरी नाइस कि इतनी अच्छी पिक्चर लोग इतनी खुशी से देख रहे हैं और लोगों की खुशी देखने में बड़ा अच्छा लगता है मैंने अपनी आई थिंक मेरे लिए बहुत इमोशनल है क्योंकि बचपन में 90% फिल्में जो मैंने देखी है जिससे मैं प्रभावित हुई हूँ भले वो अमर अकबर एंथनी हो या नासिर हुसैन हम किसी से कम नहीं हो वो मैंने गेटी गैलेक्सी में देखी है और आज जो मैं अपनी खुद की फिल्म के लिए आ रही हूँ आई थिंक ये बहुत ही एक मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है और आई हैव टू से कि समोसे का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में था अरे मुझे एक और समोसा लगे थे नो आई हैव टेकन अ कोल्ड मेडिसिन मेरे को साइनस हो जाता है यार मेरे को यहाँ बहुत दर्द होता है ठीक हो दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा ध्यान रखते हैं पिछली बार जब मैं चेन्नई के लिए आया था तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी तो मैं समझ गया हूँ कि हाँ तो मेरा गर्दन खिंच गई थी बट अब मैंने डिसाइड किया है कि उसको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ करें तो हम एक रात पहले से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं कि हमसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ ना हो यार बिकॉज भीड़ भाड़ में बच्चे होते हैं सब होता है सो वी ट्राई टू कंट्रोल इट सो आई थिंक आज जो ऑर्गेनाइजेशन थी और उस वक्त पे आते जब शो की टाइमिंग ऐसी है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए अदरवाइज इट कैन बी यस लिटिल डेंजरस तो लास्ट टाइम जब मैंने टूर किया था स्पेशली मराठा मंदिर और वडाला में तो मुझे तब ऑर्गेनाइज ठीक था जगह ज़्यादा थी यहाँ जगह थोड़ी कम हो जाती है अभी हम बाहर निकलेंगे तो तकलीफ होगी लेकिन हम ध्यान से करेंगे नो इट इज़ वेरी सैड यार आई डोंट थिंक किसी के साथ ऐसा होना चाहिए या किसी को ऐसा सोचना चाहिए दुख की बात है और इस मामले में बस यही कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था और हमारी सहानुभूति और प्यार उनके साथ है जल्दी से ठीक हो जाए और अगर इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए हम कह रहे हैं हम खुद आके दिखा देंगे फिल्म उनको मुझे बहुत बुरा लगा मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहता मुझको आज फ़ोन भी आया एक दो तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा बस ये कि दुआ करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए और इंशाल्लाह जब वो ठीक हो जाएंगे तो हम आके उनको फिल्म खुद दिखा देंगे नहीं यार ऐसा टारगेट नहीं होता ये ना ये बाहर से ऐसी बातें चलती हैं 250 करोड़ 300 करोड़ वो फिल्म का ये जो नंबर होता है ये खुद ऑडियंस की वजह से आता है हम लोग जो बिज़नेस करते हैं उनको सिर्फ ये देखना ज़रूरी है कि फिल्म जो है वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो लोग उसको प्यार से देख रहे हैं वो नंबर आते रहेंगे ये एक होड़ सी लग गई है हम लोग खुद भी हमारे ऑफिस वाले लोग भी कभी कभार नंबर भेजना शुरू करते हैं आई डोंट थिंक वो ठीक है माशाल्लाह फिल्म जो है हमको फीलिंग आती है और लोग देख रहे हैं हॉल्स में है तो अच्छी चल रही है बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है फिर जो नंबर ख़त्म होगा तब ख़त्म होगा आजकल वो बन गया है कि पहला नंबर दो और आखिरी नंबर दो वीक का नंबर दो वीकेंड का नंबर दो और आई थिंक हमारे आसपास के लोग भी ये करते हैं लेकिन मेन एम यही होना चाहिए कि फिल्म जो है लोगों को पसंद आए आहिस्ता आहिस्ता नर्चर करें उसको और खुशी से आराम आराम से फिल्म लंबी चले और जितने लोग देख सकें उसको प्यार से और खुशी से दो बार देख सकें सी मेन एम आई थिंक हर फिल्म मेकर का ही होता है कि फिल्म को दोबारा देख सकें हमारी फिल्म लंबी है फिर भी हमको लगता है कि लोग प्यार से उसको अगले हफ्ते इस हफ्ते दोबारा देखने को आएंगे आई डोंट थिंक सो यार वो बिल्कुल अलग चीज़ थी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको हमने मार्केटिंग पे एक सोचा ही नहीं था हम सब साथ में थे दोस्त तो दिल में आया कि यार सब साथ में एक शो करते और स्लैम टूर हम अभी भी करेंगे इंशाल्लाह दिसंबर में जाएंगे